स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना थर्ड चैप्टर एमर्जिंग ट्रेंड एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस 11th क्लास के लिए। तो कहाँ तक हम कर चुके थे? हम कर चुके थे एआई के अंदर हमने मशीन लर्निंग कर लिया था, एनएलपी कर लिया था, और उसके बाद इमर्सिव एक्सपीरियंस भी कर लिया था, और हम कर रहे थे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे हम आए हुए थे। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, वो वीडियो हमारी ऑफ हो गई थी। अब देखते हैं हम ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। आप स्नैपचैट का इस्तेमाल तो सभी करते होंगे, तो उसमें क्या होता है, आप जैसे ही फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपके फेस पे कोई भी एनिमल्स के फीचर्स आ जाते हैं या कुछ भी ऐड हो जाता है आपके फेस के साथ में। तो ये फीचर किसके अंदर आता है? ऑगमेंटेड रियलिटी का ही पार्ट है ये आपकी जो स्नैपचैट है वो AR बेस्ड एप्लीकेशन होती है, वही है। और प्लेस बेस्ड, ये साइड में जो दिखा रखी है लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये देखिए इधर, इसमें क्या है, आपको लोकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। आप जैसे ही वहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे विद कैमरा, तो सेंसर्स लगे होते हैं, उन सेंसर की हेल्प से वो सेंस कर लेता है, और GPS सिस्टम की हेल्प से वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उस लोकेशन से रिलेटेड। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड पेरिफेरल परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज AR, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी हम उसको बोलते हैं। इट एड्स कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड कौन सा हो गया, जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ पे ये देखिए, अंदर कुछ टाइप किया हुआ दिख रहा है ना टेक्स्ट में, तो ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, डिजिटल वर्ल्ड हमने ऐड कर दिया। किसके अंदर, जो पीछे ये लोकेशन दिख रही है, इस लोकेशन पे हमने अपना डिजिटली कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, अलोंग विद द एसोसिएटेड टैक्टाइल एंड अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स, देयर बाय मेकिंग द एनवायरमेंट इंटरेक्टिव एंड डिजिटली मैन्यूपुलेबल। यूजर्स कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विद रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन। आपको जैसे कोई भी शॉप वगैरह सर्च करनी हो, या आपको होटल चेक करना हो कि हमारे नियर बाय कौन सा होटल है, हमारे पास में कौन सा, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, AR बेस एप्लीकेशन की हेल्प से ही सर्च कर पाते हैं आप। वो किसकी AR किसका इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट देता है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर एंड GPS सिस्टम, उसके अंदर जो लगा होता है उस एप्लीकेशन में, वो उसका इस्तेमाल करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद आप उसकी हेल्प से कहीं भी जा सकते हैं। विद हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड AR ऐप, ट्रैवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। जो पहले हिस्टोरिकली प्लेसेस हैं उनकी भी आप इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ AR बेस्ड ऐप। ये आपकी AR बेस्ड एप्लीकेशन ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इस मैंने वर्चुअल रियलिटी भी करवा दिया है और ऑगमेंटेड रियलिटी भी करवा दिया है। अब आप इनके बीच में डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स, AI का ही पार्ट है रोबोटिक्स। रोबोट सबने ही सुना होगा, रोबोट मूवी तो सबने ही देखी होगी। उसके अंदर क्या था, एक ह्यूमनॉइड क्रिएट किया हुआ था जो सभी ह्यूमन के काम कर पाता था, तो वही है। वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, AI का। ए रोबोट इज़ बेसिकली ए मशीन कैपेबल ऑफ केयरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसली ये आपको रिजल्ट देता है, अनलाइक अदर मशीन ए रोबोट इज़ प्रोग्रामेबल बाय ए कंप्यूटर। और इसको कैसे बनाया जाता है, प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्रामिंग की जाती है उन, और प्रोग्रामिंग किससे की जाती है, बाय ए कंप्यूटर, विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जो कंप्यूटर उसको देता है। जो भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होती है। पहले जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, देन
सेकंड, अगर सेकंड के बाद आपको सीधा 10 पे जाना हो तो वो उसमें लिखा होगा डिसीजन मेकिंग। इफ एल्स आपने किए होंगे सी लैंग्वेज में, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती हैं कुछ, वो आपको आपका सारा प्रोग्राम में लिखा होगा। तो रोबोट कैसे काम करता है, विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके रोबोट काम करता है। रोबोट्स वर इनिशियली कंसेप्चुलाइज्ड फॉर डूइंग रिपीटेटिव, मतलब जो टेडियस टास्क थे, जो ऐसे काम जो बार बार करने सेम टाइप से ही करने हो, उसके लिए इस्तेमाल किया गया था पहले रोबोट का। और आजकल तो हर जगह ही रोबोट्स का इस्तेमाल हो गया, आपने देखा भी होगा होटल्स में जो वेटर्स की जगह होती है वो भी रोबोट्स काम करने लग गए हैं। सेंसर आर वन ऑफ द, यहाँ तक आप लिखेंगे इसमें, जब लिखेंगे यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसमें, सेंसर आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ ए रोबोट। ये देखिए आपको यहाँ से लेके, एक बार मैं बता देती हूँ, आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा इसमें। रोबोट इज, यहाँ तक आप लिखेंगे पहले, इसके बाद ए रोबोट इज प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर, वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि सेंसर्स की हेल्प से ही वो क्या करता है कि सेंस करेगा इस टाइम पे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। रोबोट कैन बी ऑफ मैनी टाइप सच एज व्हील्ड रोबोट, लेग्ड रोबोट, मतलब कुछ ऐसे रोबोट है जो पहिए से चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पैर से मूव करते हैं हमारी तरह ही। मैनिपुलेटर्स और ह्यूमनॉइड्स, ह्यूमंस की तरह बिल्कुल सेम। तो यही एग्जांपल हैं इन इन टाइप्स के आपके रोबोट्स होते हैं, ये भी आएगा। जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह आपको दिखते हैं करते हुए, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं ह्यूमनॉइड्स। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, एप्लीकेशन कहाँ पे हैं, एप्लीकेशन है। इसके बाद आप ये लिखेंगे, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रोबोट्स की एप्लीकेशन क्या है तो आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च में, मिलिट्री में एटसेट्रा। सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ये दे रखे हैं, जैसे नासा का, नासा आपने सुना ही होगा, रिसर्च के लिए जो रिसर्च करते रहते हैं नासा में, उन्होंने एक अपना रोबोट भेजा था रोवर नाम का, कहाँ पे, मार्स प्लैनेट पे। किस लिए, मार्स प्लैनेट पे वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को सेंस करेगा और वहाँ से सारी उससे रिलेटेड पिक्चर इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, वहाँ पे लाइफ संभव भी है या नहीं, तो सारी पिक्चर्स आपको कलेक्ट करके भेजता है। और वो किसकी हेल्प से कर पाता है, सेंसर की हेल्प से। और एक एग्जांपल है सोफिया का, ये सेकंड जो फिगर दे रखा है आपको, ये बिल्कुल ह्यूमनॉइड्स, ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करता है, ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं इसको, ये वाला, ये देखिए। और ये है आपका नासा का जो MER रोवर था वो, और ये ड्रोन, ये तीनों क्या हैं, रोबोट के ही एग्जांपल्स हैं। सोफिया इज़ ए ह्यूमनॉइड दैट यूजेज AI, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, मतलब विजुअली आपके डाटा को प्रोसेस कर सकती है। आप उसको जैसे हैंड दिखाएंगे, आप उसको बाय करेंगे तो वो भी आपको बाय करेगा। भी कैसे कर पाता है वो सेंस करके कर पाती है। इसके बाद फेसियल रिकॉग्नाइज कर सकती है आपकी, एंड ऑल्सो इमिटेट, और आपकी नकल भी उतार देगी ह्यूमन गेस्चर्स की, फेशियल एक्सप्रेशंस की, एज शोन इन फिगर 3.6। और ये सोफिया का रोबोट है 3.6 में जो आपको दिखा रखा है। और ड्रोन भी क्या है, एक अननेम्ड एयरक्राफ्ट विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड और कैन फ्लाई ऑटोमेटिकली। ये जो था आपका क्या है, ऐसे लगता है जैसे एरोप्लेन का स्मॉल वर्जन हो, उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अंदर कैमरा लगा होता है और सेंसर्स लगे होते हैं, GPS सिस्टम लगा होता है, जिनकी हेल्प से आप पिक्चर कलेक्ट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, और भी बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। ड्रोन इज़ एन
अननेम्ड एयरक्राफ्ट विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड और कैन फ्लाई ऑटोनॉमसली थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान्स इन देयर एम्बेडेड सिस्टम वर्किंग इन कंजेशन विद ऑनबोर्ड सेंसर्स। क्या क्या किसके साथ काम करता है? कंजक्शन विद अनबोर्ड सेंसर लगा होता है और जीपीएस लगा होता है। दे आर बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जर्नलिज्म में और फिल्मिंग इंडस्ट्रीज़ में, सीरियल फोटोग्राफी में, शिपिंग डिलीवरी एट शॉर्ट डिस्टेंस, शादी में भी आजकल तो इस्तेमाल हो रहा है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, जियोग्राफी, ये इसकी एप्लीकेशन है ड्रोन की। इसके बाद आपका है बिग डेटा। व्हाट इज़ बिग डेटा? आप डेली मैसेजेस वगैरह या मोबाइल तो सभी इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल इस्तेमाल करने से हुआ क्या है, आपका बिग डेटा क्रिएट होता जा रहा है। हर दिन लगा लो आप बिलियंस ऑफ डेटा क्रिएट होते हैं। डेटा होता क्या है? डेटा होता है आप कुछ भी इनपुट करते हैं लैपटॉप में या मोबाइल में, सर्च करते हैं आप कुछ भी, तो वो क्या है? डेटा ही है। विद टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइव्स, डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड एट कोलोसल रेट, बहुत ही बड़ी अमाउंट में डेटा क्रिएट हो रहा है। टुडे देर आर वेरी बिलियन इंटरनेट यूजर्स, बहुत सारे क्या है इंटरनेट के यूजर्स हैं, एंड ए मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स, और सबसे ज़्यादा जो वेब ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? स्मार्टफोन से। आप सभी ने देखा होगा मोबाइल क्या है, वेरी हैंडी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं उनको, लैपटॉप और कंप्यूटर को ले जाना फिर भी डिफ़िकल्ट है। तो इतना डाटा लैपटॉप और कंप्यूटर से जनरेट नहीं हो रहा है जितना कि मोबाइल से हो रहा है। आपको फिगर भी दिखा रखा है कि किससे कितना डेटा क्रिएट होता है हर दिन, हर एक एप्लीकेशन के बारे में आपको दिखा रखा है, और आप इसमें लिखेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, टुडे देर आर ओवर ए बिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड ए मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स, ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको। एंड आफ्टर दैट ये लिखेंगे आप अराउंड 2.5 क्विंटिलियन बाइट ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे, एंड क्विंटिलियन हो गया है हमारा, जैसे आप बोलते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से भी ऊपर होता है, क्विंटिलियन बाइट ऑफ डेटा क्रिएट होता है हर दिन। द पेस इज़ इंक्रीजिंग विद द कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और किस कारण ये हुआ है? IoTs के कारण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आप ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, उन्हीं के कारण डाटा ज़्यादा क्रिएट होता है। इंटरनेट का जो यूज़ स्टार्ट हुआ था वो 1983 से स्टार्ट हो गया था, और पहले कम इस्तेमाल होता था, लेकिन 2020s में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है इंटरनेट का, हर एक पर्सन इसको इस्तेमाल करता है। दिस रिज़ल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा क्रिएट हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। ये 60 seconds का आपको दिखा रखा है, ये देखिए, सिक्सटी सेकेंड्स में आपका कहाँ से डेटा आ रहा है, ये देखिए, फेसबुक से इतना आ रहा है, 2,93,000 स्टेटस अपडेट होते हैं हर सेकेंड में, 44 million मैसेजेस सेंड किए जाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एक मिनट की बात की जा रही है। इसके बाद न्यू ट्वीट से इतना, और स्काई मैसेंजर से इतना डाटा आपको क्रिएट हो रहा है, इसके बाद लिंक्डइन से इतने अकाउंट आपके क्रिएट हो रहे हैं 120+ हर मिनट में,
नेटफ्लिक्स से इतना और विकिपीडिया से इतना, 2.78 मिलियन वीडियोज़ देखी जाती हैं यूट्यूब पर एक मिनट में। इसके बाद 46,200 पोस्ट किए जाते हैं इंस्टाग्राम पे हर एक मिनट में। गूगल पे 2.4 मिलियन सर्चिंग क्वेरीज डाली जाती हैं, मतलब आप जो भी सर्च करते हैं वो 2 मिलियन से भी ज़्यादा सर्च होती है एक मिनट के अंदर। इसके बाद ईमेल सेंड की जाती हैं, ये 204 मिलियन ईमेल्स आप सेंड होती हैं एक मिनट के अंदर। स्नैप क्रिएट किए जाते हैं, स्काइप कॉल्स किए जाते हैं, इससे क्या हो रहा है, बिग डेटा क्रिएट हो रहा है। दिस रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड बिग डेटा। सच डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स एज द डेटा इज नॉट ओनली वॉल्यूमिनस बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड लाइक अवर पोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैट। इतना ज़्यादा अमाउंट में, इतनी वॉल्यूम में डाटा क्रिएट हो रहा है, उसको आप जो ट्रेडिशनली जो पहले सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते थे डाटा प्रोसेसिंग के लिए, उनसे आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉल्यूमिनस ही नहीं है, मतलब बड़ी अमाउंट में ही नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, सेम टाइप का डेटा नहीं होता है, कोई टेक्स्ट आ रहा है, कोई पिक्चर आ रहा है, कोई वीडियो आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, वो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो गया, उसको हैंडल कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ट्रेडिशनली जो टूल्स सब वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे वो आप नहीं कर सकते इसके ऊपर अप्लाई। डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट वॉल्यूमिनस डेटा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस चैलेंजिंग लाइक इंटीग्रेशन, स्टोरेज एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, तो ये सारे प्रोसेस करने बड़ी मुश्किल होती है इसमें, क्वेरिंग करना, विजुअलाइज करना सच डेटा को। बिग डेटा समटाइम होल्ड रिच इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसके बाद ये लाइन ऐड करेंगे आप, बिग डेटा समटाइम होल्ड रिच इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज़ ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू एंड देयर फॉर देर इज़ ए कीन एफर्ट इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स टू प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा। कुछ ऐसा डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन होता है, होती है जो हाई बिजनेस वैल्यू, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बड़े ही ध्यान से क्या करना पड़ता है, हमें प्रोसेस करना पड़ता है। उसके लिए कुछ कुछ एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बिग डेटा की, ये आपको 5 वीज आपको याद रखनी है। जब भी आप बिग डेटा के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपके माइंड में 5 वी हमेशा रहने चाहिए। ये देखिए, ये है हमारे 5 वी, ये वाले वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम मतलब ह्यूज अमाउंट में डेटा हर मिनट में क्रिएट हो रहा है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूमिनस, यानी कि नॉर्मस साइज है, बहुत ही बड़ा साइज है बिग डेटा का। इफ़ ए पर्टिकुलर डेटा सेट इज ऑफ सच लार्ज साइज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोसेस इट विद ट्रेडिशनल DBMS टूल, इट कैन बी टर्म्ड एज बिग डेटा। इसके बाद वेलोसिटी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिड्रेशन आर बींग। वेलोसिटी हो गया किस रेट से आपका डेटा जनरेट हो रहा है, वो उसकी कहलाती है वेलोसिटी। और आपको पता है ही बिग डेटा क्या है, एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनली डेटा क्रिएट होता है आपका, उससे एक्सपोनेंशियली क्रिएट हो रहा है, मतलब पहले अगर 2 times क्रिएट हो रहा था तो अब ये जो है 2 to the power 10 में बन गया है। हर दिन कैसे क्रिएट हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्रिएट हो रहा है, पावर्स में इंक्रीज हो रहा है ये। इसके बाद वैरायटी क्या होता है, इट असेट्स दैट इज डेटा सेट हैज़ वेरिड डेटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डाटा किस किस टाइप का हो सकता है, आपको स्ट्रक्चर वे में भी क्रिएट हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड में भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वेब पेजेस, इस टाइप का डाटा अगर मिल रहा है, अगर एक ही साइट से हमें चारों टाइप का डाटा मिल रहा है तो वो किस में आएगा, अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा।
वो हमारा आएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। और अगर सेम टाइप का डेटा मिल रहा है, आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो जो जैसे टीचिंग की है, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। इमेज है तो वो सारा वो स्ट्रक्चर्ड में ही मिलेगा। इसके बाद वेरासिटी क्या होता है, बिग डेटा कैन बी ऑफ सम टाइम इनकंसिस्टेंट, बायस्ड, नॉइसी और देयर कैन बी एबनॉर्मेलिटी इन द डेटा और इश्यूज विद द डेटा कलेक्शन मेथड्स। वेरासिटी रेफर्स टू द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग ऑफ सच इनकरेक्ट डेटा। वेरासिटी रेफर्स टू द, यहाँ से आपको लिखना है एग्जाम टाइम में जब भी आप लिखेंगे, ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट और मिसलीड इंटरप्रिटेशन। वेरासिटी हो गया, आप समटाइम क्या होता है इनकंसिस्टेंट, बायस्ड, नॉइसी और देर कैन बी एबनॉर्मेलिटी इन द डेटा, मतलब डेटा क्या होगा चेंज हो जाता है कई बार, जो पहले था वो उसे आपको नेक्स्ट टाइम सर्च करेंगे तो वो अलग मिलेगा। तो ये क्या बताता है आपको कि डाटा जो हमारा है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसके अंदर ये भी लाइन ऐड करेंगे आप, सम टाइम इनकंसिस्टेंट होता है तो उसके कारण क्या हो गया, इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है डेटा के अंदर। इसके बाद वैल्यू, अब बिजनेस वैल्यू मैंने लास्ट अभी अभी बताया था, बिजनेस वैल्यू कुछ डेटा ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, तो उसको प्रोसेस करना बड़ी ही केयरफुलनेस के साथ आपको उसको हैंडल करना होता है। बिग डेटा इज जस्ट ए बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो प्रोपोजिज टू हैव हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू, बट एज देर इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स इन प्रोसेसिंग बिग डेटा, वी शुड मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू सी द पोटेंशियल ऑफ बिग डेटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिस्कवरी और एल्स आवर एफर्ट्स वुड बी इन वाइन। तो कुछ ऐसे हिडन पैटर्न्स भी होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है जिनको आपको क्या देना पड़ता है, हाई बिजनेस वैल्यू आपको देना पड़ सकता है। तो इसलिए वैल्यू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेटा की। इसके बाद डेटा एनालिटिक्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारा जितना भी बच गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर ले, हम कर रहे हैं ये NCERT कंप्यूटर साइंस 11th क्लास की, इसको करेंगे हम कंप्लीट। बाय बाय।